नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपका टेक्निकल पंडित जी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अशोक नीलैंड आई अलर्ट GPS एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है और आपको इस एप्लीकेशन को किस तरह इस्तेमाल करना है, सारा का सारा इस वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ हूँ। तो चलिए हम जानते हैं यह GPS क्या है। देख सकते हैं आप, इस तरह का यह छोटा सा GPS डिवाइस होता है। इस GPS की मदद से आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अशोक लेलैंड GPS बहुत ही बेस्ट GPS है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे आपकी गाड़ी का लाइव लोकेशन हुआ, आपकी गाड़ी के अंदर कितना डीजल है और आपकी गाड़ी का ऑयल प्रेशर और एयर प्रेशर आप देख सकते हैं, गाड़ी कौन से गियर में ड्राइवर चला रहा है साथ में आप ये भी जान सकते हैं, और साथ ही साथ आपका बैटरी कंडीशन कैसा है, गुड है या पुअर है आप ये भी जान सकते हैं। ऐसे मतलब गाड़ी कितना एवरेज दे रहा है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और यह जो अशोक लेलैंड के ट्रक और बसेस जो नए न्यू आते हैं आप ख़रीदते हैं तो उसके अंदर आपको GPS फ्री में मिल जाता है 2 साल का। आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आगे चाहे तो आप रिन्यू भी करा सकते हैं। यह सिर्फ न्यू गाड़ी के लिए यह GPS काम करता है। अगर आपका कोई पुराना गाड़ी है और आप उसमें GPS लगवाना चाहते हैं तो व्हील साइज GPS को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह भी काफ़ी बेस्ट GPS है। इस पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाकर रखा हुआ हूँ और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जान सकते हैं और इसका प्राइस क्या है और किस तरह परचेस करना है, सारा का सारा उसमें मैंने डिटेल दिया हुआ हूँ। तो चलिए हम जानते हैं अशोक लेलैंड GPS के बारे में और इसको किस तरह यूज़ करना है, चलिए हम आगे देखते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको अशोक नीलैंड आई अलर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है कॉल का। जैसे मैं इस कॉल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देंगे। यह GPS आईलेट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ पर मंडे टू सैटरडे सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक आप कभी भी कॉल करके अपना जो क्वेरी है, आप समस्या है, आप उसका समाधान पा सकते हैं। तो अभी मैं इसको बैक ले लेता हूँ और नीचे आपको मेल का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको मेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मेल आईडी दिया है तो यहाँ पर आप मेल भी सेंड कर सकते हैं। तो जब आप नया गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको 2 साल का GPS फ्री में मिलता है, तो ऐसे में आपको GPS का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है और आप 2 साल तक GPS को फ्री में चला सकते हैं। तो आपको वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पिन क्रिएट कर देना है। जैसे मैंने पिन डाल दिया इसके अंदर और आपका आईलेट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल मतलब 1 दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास 2 गाड़ी या 3 गाड़ी हैं तो यहाँ पर टोटल 3 गाड़ी दिखाई देगा और यहाँ पर 20-25 गाड़ी तक भी ऐड हो जाता है आराम से। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 1 गाड़ी ऐड है तो रनिंग में 1 दिखाई दे रहा है। लीडिंग का मतलब होता है अगर आपकी गाड़ी कहीं जाम में खड़ा है तो यहाँ पर आपको येल्लो कलर का साइन आएगा और लीडिंग आएगा, और यहाँ पर स्टॉप पर दिखाई देगा अगर 1 लिखा रहेगा तो, स्टॉप मतलब गाड़ी खड़ी रहेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 ऑप्शन मिल जाता है ओपन मैप और व्यू लिस्ट का। तो पहले मैं व्यू लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यू लिस्ट का ऑप्शन ओपन हो गया, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं फ्यूल लेवल, इस वक्त गाड़ी में 197 लीटर डीजल है, यानी कि 4 लीटर का टंकी है और इस वक्त गाड़ी में 197 लीटर डीजल पड़ा हुआ है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी के टंकी में कितना लीटर डीजल है, क्योंकि क्या होता है ड्राइवर लोग जो है डीजल निकाल कर भेज देते हैं, अगर आप अपने किसी ड्राइवर को देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, जैसे उन लोग क्या करते हैं 10-20 लीटर हमेशा डीजल निकाल कर भेज देते हैं। तो आप उससे बच सकते हैं अगर आप मोटर मालिक हैं और आपने किसी ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दिया है तो। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑडोमीटर, यहाँ पर देख सकते हैं 1369 किलोमीटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जैसे फ्यूल कंजप्शन 31889 जो है लीटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ,
ये जो मेरा ऑडोमीटर है ना, और यहाँ पर डीजल में फ़र्क दे सकते हैं, यहाँ पर डीजल ज़्यादा खाया है किलोमीटर का में। इसका रीज़न ये है कि जब मैंने गाड़ी ख़रीदा था तो वहाँ पर क्या हुआ, 2 साल के बाद मैंने जो है मेरा GPS में प्रॉब्लम आया, GPS काम नहीं कर रहा था। तो GPS का एक रूल है, अगर आपका गाड़ी 3 साल के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर से कम चलता है सॉरी, तो आपका GPS अगर कहीं भी ख़राब होता है तो आपको नया GPS इंस्टॉल कर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, अगर आपका गाड़ी कम चला हुआ है, 3 लाख किलोमीटर से कम चला हुआ है, ऐसे में अगर आपका GPS ख़राब हो जाता है और आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको नया GPS इंस्टॉल कर अशोक लेलैंड के एजेंसी से मिल जाएगा। तो इसमें अभी नया GPS इंस्टॉल है, इसके लिए यहाँ पर 1300 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे जो है गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर करीब चल चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आगे की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हीकल का स्पीड, यहाँ पर गाड़ी जो कितने स्पीड में ड्राइवर चला रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 47 के स्पीड में गाड़ी ड्राइवर चला रहा है। और यहाँ पर आपको फ्यूल कंजप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर कितने लीटर डीजल खाया है। और यहाँ पर गाड़ी का लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा। तो मैंने 4 चीज़ पर टिक करके रखा है और इसको डन किया, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट यही लगा, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंजन स्पीड और ये सब देख सकते हैं, ये मैंने रखा है। तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ को क्लिक करके। तो अभी मैं मैप पर क्लिक कर देता हूँ, अब मुझे अपना गाड़ी देखना है कहाँ है मेरा गाड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ये रिफ्रेश का बटन दिया गया, आपको रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अपना गाड़ी देख सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपका गाड़ी चल रहा है। तब मैं गाड़ी पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी का हाईवे आपको दिखाई दे रहा है, आसपास में जितने होटल वो भी हैं आपको ये सब दिखाई देंगे, ATM सब आपको दिखाई देगा। तो अभी मैं इसको सेटेलाइट व्यू में देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेटेलाइट व्यू भी इस तरह कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्लियर सेटेलाइट व्यू दिखाई देगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका गाड़ी कहाँ पर है, अगर जैसे मान लीजिए कोई होटल पर खड़ा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह आपको दिखाई देगा, आप जूम करके देख सकते हैं कि कहाँ खड़ा है। तो अभी मैं इसको बैक ले लेता हूँ, तो वापस से मैप पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप गाड़ी का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको गाड़ी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके गाड़ी का स्पीड दिखाई देगा, 47 का स्पीड में चल रहा है गाड़ी, और गाड़ी का RPM कितना है, गाड़ी का बैटरी देख सकते हैं यहाँ पर 28 वोल्ट है, गाड़ी में डीजल कितना है, इंजन नंबर दिखाई देगा, ऑडोमीटर दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी कौन से गियर में चल रहा है, देख सकते हैं 6 गियर में चल रहा है, ऑयल का प्रेशर क्या है, एयर का प्रेशर क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, और गाड़ी का कूलिंग देख सकते हैं यहाँ पर कितना कूलिंग है। तो यह बाकी काफ़ी कमाल का फीचर है, आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो अभी मैं इसको बैक ले लेता हूँ। अब आप अपनी गाड़ी का एवरेज चेक करना चाहते हैं तो आपको ट्रेस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी का एवरेज भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी कहाँ से कहाँ चलाया, अभी देख सकते हैं धूधू के पास गाड़ी पहुँचा है और कहाँ से खेरवाड़ा से गाड़ी चला हुआ है। तो अभी मुझे समरी पर क्लिक कर देना है, समरी पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड 107 किलोमीटर चला है, सॉरी 1000 मैंने बोल दिया, 107 किलोमीटर गाड़ी चला है, और फ्यूल कंजप्शन 19 लीटर डीजल खाया है मेरा, और 580 का एवरेज दे रहा है, देख सकते हैं गाड़ी, क्योंकि गाड़ी में लाइट वेट है, 3-4 टन माल है, इसके लिए ज़्यादा एवरेज दे रहा है, अच्छा एवरेज दे रहा है। और गाड़ी कितना घंटा चलाया ड्राइवर ने, 2 घंटा 17 मिनट चला रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी टाइम जो है रनिंग टाइम देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं इसको बैक ले लेता हूँ। तो इस तरह आप अपनी गाड़ी का एवरेज भी चेक कर सकते हैं, कितना का एवरेज दे रहा है, कौन कौन से रास्ते पर। तभी मैं इसको बैक ले लेता हूँ। अब मान लीजिए अगर आपका गाड़ी कहीं ख़राब हो जाता है, तो अगर आपको सर्विस सेंटर जाना है, कहीं दिखाना है, क्योंकि नई गाड़ी है तो सर्विस सेंटर में ही जाओगे आप, तो ऐसे में आप अगर गूगल पर सर्च करोगे कि हमारी गाड़ी का लोकेशन कहाँ है और सर्विस सेंटर कहाँ है, तो ऐसे में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, गाड़ी पर क्लिक कर देना है और POI आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप POI पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पूरे इंडिया में देख सकते हैं कितने सर्विस सेंटर है अशोक लेलैंड के, यहाँ पर देख सकते हैं। जब मैप में इतना येल्लो दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना सर्विस सेंटर है यहाँ पर, हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी है अशोक लेलैंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके गाड़ी के पास में सबसे नज़दीकी सर्विस सेंटर कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 5 किलोमीटर के दरमियान पर यह सर्विस सेंटर है। तो जैसे मैं अभी इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यह देख सकते हैं सर्विस सेंटर ये रहा। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे यह एड्रेस तो मुझे पता है, यहाँ पर आप एड्रेस पढ़ सकते हैं, अगर मुझे
कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए तो मैं यहाँ कॉल पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉल पर फोन क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैं कॉल करके बात भी कर सकता हूँ, सर्विस सेंटर का नंबर भी पा सकता हूँ। गूगल पर सर्च करते करते मुझे आधा एक घंटा लग जाएगा और जल्दी से मुझे मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि गाड़ी का लोकेशन बराबर देखने से। यहाँ पर आप अगर आपका कोई दोस्त है जिसका अशोक लेलैंड का गाड़ी है और उसका भी गाड़ी कहीं फंस गया, अगर वो भी ख़राब हो गए, तो ऐसे में आपको बताता है कि सर हम क्या करें, जो है हमारा कुछ सर्विस सेंटर का नंबर पता नहीं चल रहा है, गूगल पे भी नहीं मिल रहा है, और कोई बोलता दूर है कोई बोलता पास में। तो आप इस तरह अपने मोबाइल से भी यूज़ करके उसको बता सकते हैं कि ये लीजिए नंबर, आप इस सर्विस सेंटर पर बात कर लीजिए, ये आपके गाड़ी के पास में है, तो दोनों का काम बन जाएगा आराम से। तभी मैं इसको बैग ले लेता हूँ, वापस से मैं गाड़ी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है इनसाइड का। तो अभी मैं इनसाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, यह भी बहुत यूज़फुल फीचर है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे गाड़ी एक तारीख को कितना किलोमीटर चला, यहाँ पर डिस्टेंस कवर दिखाई दे रहा है। एक तारीख को गाड़ी 28 किलोमीटर चला, दो तारीख को 61 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं कितना किलोमीटर चला। 5 तारीख तक यहाँ पर देख सकते हैं 1033 किलोमीटर गाड़ी चला है। तो इन दरमियान जो है मेरा गाड़ी कितना लीटर डीजल खाया है, तो मैं इस डिस्टेंस पर क्लिक करूँगा, फ्यूल कंजप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले दिन 1 तारीख को जो है 9.5 लीटर डीजल खाया, 2 तारीख को 18 लीटर डीजल खाया, इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है 205 लीटर डीजल खाया मेरा गाड़ी। तो अगर मुझे एवरेज जानना है मेरा गाड़ी कितने का एवरेज दिया कौन से दिन पर, और तो यहाँ पर आपको फ्यूल कंजप्शन पर क्लिक करने का, तो आपको यहाँ पर एवरेज किलोमीटर पर आवर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज पर किलोमीटर आवर 5.3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डे कितना कितना किलोमीटर चला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.99, इस तरह पर डे का एवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से दिन पर कितना कितना एवरेज दिया गाड़ी, और यहाँ पर देख सकते हैं। अब ऐसे में मेरा ड्राइवर कितने की स्पीड में गाड़ी चला रहा था जो मतलब एवरेज अच्छा दे रहा था, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एवरेज स्पीड पर। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 28 की स्पीड में था, 25 की स्पीड में था, 43 की स्पीड में था, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज स्पीड दिखाई देगा, 60 की स्पीड में था। तो एवरेज स्पीड 44.94 मतलब 44-45 की स्पीड में अगर आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो आपका गाड़ी काफ़ी अच्छा एवरेज देता है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी भगाते हैं तो आपका गाड़ी का डीजल ज़्यादा खाता है। तो आप इस तरह अपने गाड़ी का एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। तभी मैं इसको बैक ले लेता हूँ। तो इस तरह आप काफ़ी चीज़ का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं मैं मेन मेन्यू में आ गया हूँ, यहाँ पर ट्रिप लिस्ट पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पर ट्रिप लिस्ट पर भी क्लिक कर दूँगा और ये प्लस के अकाउंट पर क्लिक करूँगा तो मेरी गाड़ी जो ट्रिप में आती है तो मैं यहाँ पर ट्रिप का नाम लिख सकता हूँ, गाड़ी नंबर ड्राइवर का नाम लिख सकता हूँ, और गाड़ी ये वन वे ट्रिप है कि राउंड ट्रिप है, यहाँ पर आप डाल के इसको नेक्स्ट करके इसको ट्रिप के लिस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं इसको होम पर चले जाता हूँ, मैं माय होम पर चले गया मैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सपोर्ट का, तो आपको सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। सपोर्ट पर अगर आप चाहे आपका कोई क्यूरी है तो यहाँ पर यार टिकट ट्रेस कर सकते हैं, जीपीएस रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टिकट ट्रेस कर सकते हैं। तभी मैं वापस से होम पर चले जाता हूँ, माय होम पर चला आ गया मैं। तो अब यहाँ पर आपको स्मार्ट पे का ऑप्शन मिलता है, स्मार्ट पे पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आईलेट जो देख सकते हैं यहाँ पर 6,000 रुपये मतलब जैसे इसका प्राइस है, और GST अलग से लगेगा इसमें, और इसके अंदर क्या क्या फीचर मिल जाता है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारे के सारे फीचर्स को। तो मैंने फ़ीचर्स तो काफ़ी सारे आपको बता ही दिए इसके अंदर जो फीचर्स हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए 6,000 आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा बात है, जो है 6,000 रुपये मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर आपको GPS फ्री मिला है तो आप अगर सोच आगे का रिचार्ज करवाना नहीं चाहते जो एक करवा लीजिए। अगर क्या होता है कि अगर आप ऑनर हो, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो आप रिचार्ज बिल्कुल भी मत करवाए, कोई यूज़ नहीं रहेगा। अगर आप गाड़ी के ऑनर हो और आपने अपना गाड़ी ड्राइवर को चलाने के लिए दिया है तो आप ज़रूर GPS का रिचार्ज करवाए, क्योंकि आपके गाड़ी में GPS पहले से इंस्टॉल है, तो आपको सिर्फ रिचार्ज का खर्चा देना होगा। तो आप 6,000 का रिचार्ज करवा लेंगे तो आपको काफ़ी यूज़ में आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आपका ड्राइवर जो है मुंबई टू दिल्ली जाता है गाड़ी लेकर, और अगर आपकी गाड़ी में GPS नहीं होता, अगर रास्ते में जाते वक्त वो अगर मुंबई टू दिल्ली जाने में वो 20 से 25 लीटर अगर डीजल एक तरफ से निकाल लेता है, क्योंकि मुंबई टू दिल्ली 1500 किलोमीटर के ऊपर पड़ जाता है, 1500-1600 किलोमीटर पड़ जाता है, अगर 20-25 लीटर डीजल जाने के टाइम मारता है निकालता है और आने के टाइम 25 लीटर निकालता है तो 50 लीटर डीजल हो गया। तो ऐसे में हरियाणा में 90 रुपीज़ डीजल है और यहाँ पर मुंबई में जो है 95-96 करीब चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं 9,500 कर सकते हैं 4,500 या 5,000 रुपये के करीब आपका जो है डीजल का एक ही चक्कर में जो है आपका गाड़ी का लॉस होएगा। तो आप सोच सकते हैं 6,000 बड़ा है कि वो 5,500 जो है अगर आपका एक ही ट्रिप में खर्चा हो जाता है, और ऐसे साल भर अगर आप इसको बचा के रखेंगे तो काफ़ी काम आने वाला है। तो ऐसे में
ड्राइवर के अंदर एक डर बना रहेगा कि जीपीएस लगा हुआ है गाड़ी में, वो कहीं भी चलेगा, कोई गलत रोड पर भी चला जाता है तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं कि हाँ भाई इस रोड पर क्यों गए, जो है आप आराम से जान सकते हैं। और साथ ही साथ ड्राइवर डीजल थोड़ा कम चोरी कर सकता है या बिल्कुल भी चोरी नहीं करे अगर ईमानदार ड्राइवर रहे, पर सब लोग ज़्यादा करके बिना डीजल के जो है कोई रहता नहीं है, ये बात तो है। तभी आपको रिन्यू पर क्लिक कर देना है। रिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है आपका जो जीपीएस है उसका लास्ट वैलिडिटी क्या है, आपको डेट मिल जाता है और कितने दिन में एक्सपायर होगा आपको यहाँ पर यह भी मिल जाता है। तो इस तरह आप अपना जीपीएस का रिचार्ज का डेट भी जान सकते हैं कब एक्सपायर होने वाला। और गाड़ी जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलर्ट भी मिल जाते हैं, इस तरह के अलर्ट भी मिल जाते हैं अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होता है तो। तो गाइस अगर आपका गाड़ी पुराना है, क्योंकि ये नए गाड़ी के लिए ही है ज़्यादा करके, यह नए गाड़ी के लिए ही ज़्यादा फीचर देता है और नए गाड़ी को ही ज़्यादा बताता है। अगर आपके पास कोई पुराना गाड़ी है, 8 साल 9 साल पुराना गाड़ी है, तो उसमें जीपीएस ये नहीं लगेगा। तो ऐसे में आपको व्हील्स आए जीपीएस भी है फैसिलिटी, आप व्हील्स आए जीपीएस को भी लगवा सकते हैं और उसका खर्च भी काफ़ी कम है, 3,000 रुपये खर्च है उसका। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ हूँ, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो के फीचर के बारे में भी जान सकते हो और उसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं और काफ़ी यूज़फुल फीचर है और कम प्राइस में है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। और इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोग गाड़ी लाइन में है या ट्रांसपोर्ट लाइन में है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस को लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।